दर्ज किया गया, इसमें मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की। कितने जनों का आरोप है? आरोप तो मोटरसाइकिल चालक पर है, प्लस उसके साथ दो आदमी और करते हैं। सर आपने कोई आरोपियों को राउंड अप किया है? आरोपियों को भी एफ आई आर हो जाती है। एस के संतान घाट के पास में शाम को करीबन 7:30 बजे की घटना बता रहे हैं। कोई एक्सीडेंट मोटरसाइकिलों का, जिसमें एक व्यक्ति के ज्यादा गंभीर चोटें लगी और उसको इलाज के लिए लेकर आया गया। और रेफर के दौरान उसके रास्ते थाने में आज इकट्ठा होने का क्या कारण है आपको? सर ऐसी बात है, रात कल 7:30 बजे की बात है, लमसम 7 बजे 14 मिनट की बात है। ये नाम है उसका जसपाल, क्या नाम? देशराज लड़का था, वो खेत से होकर अपने गांव जा रहा था। उम्र लमसम 24-25 साल की लमसम होगी। तो वो क्या, वो कोई नदी वाले के थे, लड़के थे, वो दारू पी कर ही आ रहे थे। 16 समय किसी जबरदस्त ही ना मारे उस लड़के थे, और लड़के थे मारे, लड़के में गंभीर चोट आई। चोट आने के बाद उन्होंने की किया भी रोकया नहीं, फुरसल आपका जीवन भी करके चले गए, भज गए। भजन तो बाद उस तो बाद की होया भी, रबण सिंह और एक मगर गए सी, वो बाद च आया, उन्हें चक के उन्होंने एडमिट किया, और मुलजम भी दस दिते थानेदार ने। क्या नाम है मुलजम? मुलजम का नाम एक तो है मनोज कुमार, पिता का नाम विजय सिंह, और एक राम स्वरूप, एक अन्य तीन लड़के हैं। ये तीन लड़के फरार हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अभी दी है, बताते हैं अभी क्या करते हैं। अभी सब जो है मोर्चरी में पड़ा है, अंतिम संस्कार की नहीं, अभी कोई 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 नहीं करना, कुछ नहीं करना। जब तक ये अंदर अरेस्ट नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं कार्रवाई करेंगे, कुछ नहीं करेंगे बस। नमस्कार दोस्तों, रियल हेडलाइंस न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपका अपना अमित लक्की धवन लेकर आया हूं श्री गंगानगर के श्री करणपुर पुलिस थाने से बड़ी खबर। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि काफी संख्या में कुछ लोग श्री करणपुर पुलिस थाना में इकट्ठे हुए हैं। क्या है यह मामला? यह मामला है गाँव 16S माझीवाला के रहने वाले गुरनाम सिंह पुत्र रेशम सिंह, जाति राय सिख, निवासी 16S ने परिवाद देकर लिखवाया है कि देशराज पुत्र जगतार सिंह खेत से घर मोटरसाइकिल पर आ रहा था। जब देशराज गांव के बाहर शमशान घाट के पास पहुंचा तो गांव नग्गी के मनोज कुमार पुत्र विजय कुमार, राम स्वरूप तरड़ व एक अन्य व्यक्ति जो तेज गति से मोटरसाइकिल चलाकर आ रहे थे, उन्होंने अपेक्षापूर्ण एक लापरवाही पूर्ण तरीके से मोटरसाइकिल चलाकर देशराज के मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। उस वक्त हरबंस सिंह राकेश निवासी 16S माझीवाला अपनी कार पर अपने गांव की ओर आ रहे थे। उन्होंने देखा कि मनोज ने लापरवाही व तेज गति से मोटरसाइकिल चलाकर देशराज के मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, जिससे देशराज सड़क में गिर गया और उसके सर, जबड़े और नाक पर गंभीर चोटें आई हैं। बहुत ज्यादा खून बह रहा था। मनोज, राम स्वरूप व तीसरा अन्य व्यक्ति भी मोटरसाइकिल से गिर गए थे, लेकिन जब हरबंस और राकेश ने अपनी कार रोककर उतरे तो उन्हें देखकर ये लोग भाग गए। उसके बाद हरबंस सिंह व राकेश ने देशराज के घर सूचना दी। उसके बाद प्रार्थी व एक अन्य व्यक्ति मौके पर आए और प्रार्थी घायल अवस्था में देशराज को हरबंस की कार में लेकर श्री करणपुर राजकीय चिकित्सालय ले आए, जिन्होंने देशराज को श्री गंगानगर राजकीय चिकित्सालय में रेफर कर दिया। श्री गंगानगर राजकीय चिकित्सालय में पहुंचते ही गंभीर चोटों व ज्यादा खून बह जाने के कारण प्रार्थी के पोते देशराज की मौके पर मौत हो गई। इन सब जनता की एक ही विनती है कि मुकदमा दर्ज कर पुलिस द्वारा कार्रवाई शुरू की जाए और जल्दी से जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए, उसके बाद ही बॉडी का पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार किया जाएगा। पुलिस द्वारा एप्लीकेशन दर्ज कर ली गई है और अपनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ऐसी ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हमारे Facebook Instagram पेज को फॉलो जरूर कर दें, जिससे हमारे द्वारा कोई भी बड़ी खबर, न्यूज, घटना, स्टोरी डाली जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जल्द मिलता हूं आपसे एक और बड़ी खबर के साथ। आपका अपना अमित लक्की धवन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।